तो फिलोसफिकल टॉक्स के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। टॉपिक होने वाला है एवरी थिंग इज गॉड, हर कुछ गॉड है, सब कुछ गॉड है। जहां पे भी तुम देखो, एक एग्नोस्टिक एथिस्ट तुम्हें बोल रहे, वो इंसान जो कहता है मुझे नहीं पता भगवान है या नहीं है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, मेरे डेफिनेशंस अलग है, यह सब बोलने वाला इंसान कह रहा है एवरी थिंग इज गॉड। जो भी तुम अपने आसपास देख रहे हो, पीछे दीवार देख रहे हो, ये हाथ देख रहे हो, सामने मेरे स्टैंड, मेरे सामने मेरा फोन, ये माइक, ये कपड़े, मैं खुद, मेरे अंदर की सोर्सेज, मेरे अंदर का दिमाग, मेरी चेतना, जिस चीज से मैं जिंदा हूँ, जिसे कुछ लोग आत्मा कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कुछ सोर्स है, एनर्जी सोर्स, वो सब कुछ जो भी तुम देख पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो, सब का सब गॉड है। भगवद गीता अगर किसी ने पढ़ी है एज एन मतलब फिलोसफी का स्टूडेंट, या फिर तुम्हारा धर्म है, या फिर तुमने ऐसे ही इंक्वायरी के लिए भगवद गीता पढ़ी है, उसके अंदर श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि मैं कण कण में हूँ, मैं हर जगह हूँ, मैं ही सूर्य, मैं ही चंद्र, मैं ही इंद्र, मैं ही सब कुछ। मतलब कई लोग ऐसे ही पढ़ के ऐसे ही समझते हैं ठीक है भगवान, मतलब हमारी आस्था है अगर इस चीज में, तो भगवान हमें कह रहे हैं कि मैं ही हूँ सब कुछ, और हम इसे सिर्फ एक ही एंगल से देखते हैं और बस छो जाते हैं, फिर हमारे काम करने में हम व्यस्त हो जाते हैं। बट अगर तुम बारीकी से देखो कि वो जो श्लोक बोला गया है, और उसके अलावा भी अगर तुम लाइफ में देखो आस पास, तो तुम देखोगे कि ये बात बहुत डीप है कि मैं ही हूँ कण कण में। मतलब जो एनर्जी सोर्स है, अगर कोई सुप्रीम एनर्जी है, तो वो ये बोल रही है कि मैं ही हूँ सब कुछ। और ये जब तुम देखते हो आसपास, तो तुम्हें दिखता भी है, हर चीज यूनिवर्स में एक दूसरे से कनेक्टेड है। आज जो मेरे अंदर जो एनर्जी सोर्स है, जब तक वो इस शरीर के अंदर है, तब तक मैं जिंदा हूँ, तब तक मैं बोल रहा हूँ। जिस दिन वो एनर्जी सोर्स बुझ गई, या फिर वो आत्मा नहीं रही, या फिर वो कुछ भी, जिसे कुछ भी नाम दिया गया अलग अलग फिलोसफी के हिसाब से, तो वो एक सोर्स इस चीज का प्रूफ है, यूनिवर्स में एक ऐसी फोर्स है जो तुम्हें जिंदा रखना चाहती है। क्योंकि जैसे ही वो एनर्जी सोर्स इस शरीर से बाहर जाएगी ना, वैसे ही ये शरीर कुछ बस कुछ दिनों में ये सड़ना गलना स्टार्ट हो जाएगा। एक महीने के अंदर अंदर इस शरीर को माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, और वो कंकाल जो अंदर है वो बाहर आ जाएगा। आज पेड़, सूर्य, पानी, वायु, आकाश हमें दिख रहा है, हमें सारे जो जीव दिखते हैं, पंछी उड़ते रहते हैं, मैं एक इंसान हो गया, सामने वाला इंसान हो गया, हर कुछ, हर कोई एक उस यूनिवर्स की सुप्रीम एनर्जी का ही पार्ट है। क्योंकि अगर वो एनर्जी ना हो, वो अंदर हमारे वो ऊर्जा ना हो, तो ये सब एक झटके में ही तहस नहस हो जाता है। इसीलिए मौत जो डेथ होती है, वो उसे कहा जाता है कि वो दुनिया का सबसे कड़वा सत्य है। क्योंकि वो तुम्हें बार बार ये बताने आती है कि देखो, जब तक तुम्हारे पास वो एनर्जी है, तब तक तुम हो, पर जैसे ही वो ऊर्जा तुम्हारे अंदर से चली गई ना, तुम कुछ नहीं रहोगे, तुम मिट्टी में मिल जाओगे, तुम्हें खा जाएंगे कीड़े मकोड़े, तुम बस यहीं पे हो जाओगे। बहुत डीप में जाके देखे तो तुम एक खाद से बढ़ के कुछ भी नहीं हो जाओगे, तुम मिट्टी में मिल के खाद होगे, और उस खाद से ही बहुत सारे पेड़ पौधे आएंगे, कुछ नहीं रहोगे तुम। इसीलिए अगर तुमने देखा होगा कि इंडियन कल्चर जो है, उसमें पहले के टाइम में ये बहुत अच्छा होता था, लॉजिक हुआ करता था कि हम सूर्य की पूजा, हम पेड़ की पूजा, हम पर्वत है उनकी पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि हर किसी चीज में भगवान है, क्योंकि हर कोई एक यूनिवर्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज हमने जो भी भेदभाव बना लिया, जो भी चीजें बना ली है, वो हमारे दिमाग को खराब करके भले हमने कितनी बना ली हो, बट यही है ट्रुथ कि हर कोई चीज बिना किसी एनर्जी के, सुप्रीम एनर्जी के चल ही नहीं सकती है। उसकी डेफिनेशन तुम भले कितनी बनाना चाहो, कितनी नहीं बनाना चाहो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो सुप्रीम एनर्जी तुम्हारे किसी डेफिनेशन की बाध्य नहीं है, तुम उसको जितने भी गुण देना चाहो, वो किसी गुण के बाध्य नहीं है। तुम्हारे गुण, तुम्हारे डेफिनेशन सब तार तार हो जाएंगे, क्योंकि वो सुप्रीम एनर्जी सब में है, फिर भी वो किसी में नहीं है। वो ही तुम हो और तुम ही वो हो, इससे परे हम वो एक एनर्जी है, इससे परे वो हमारे जो एक रियल सोर्स है, वो एम आई जो क्वेश्चन है, उस तक हम पहुंच जाए, हम उस तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि हमने खुद को कुछ और मान रखा है, पर जबकि हम कुछ और हैं। ये मतलब वीडियो मैंने बनाया हुआ है, ये हमारे जो उपनिषद है उसके अंदर है लिखा हुआ कि अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ही गॉड हूँ। ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं ही गॉड हूँ, मेरे पास बहुत सारे लोग कहेंगे अगर मैं गॉड हूँ तो मैं इतना लिमिटेड क्यों हूँ। वो इसलिए क्योंकि हमने अभी तक खुद को शरीर, दिमाग, यहाँ तक ही रोक रखा है, हमने सिर्फ खुद को यही चीजें मान रखी है, और यही शायद तक पूरी जिंदगी हम यही मानते मानते हमारी मौत भी हो जाएगी। बट हम वो एक सुप्रीम एनर्जी है जो अंदर है, इंडियन जो वैल्यूज है वहाँ पे जीव को, एक जानवर को, गौतम बुद्ध ने भी ये बात कही थी कि इतना हमें महत्व इसलिए देना है क्योंकि हर लाइफ इंपॉर्टेंट है। तुमने सिर्फ इंसानों ने यह धरती खुद की मान ली है, और यह मान लिया कि यह सिर्फ हमारे लिए ही है, और हम हमारे जितने भी भगवान बनाए उनको हम बस खुश करते रहेंगे, और बाकी फिर हम भले ही उनके लिए हम पूजा पाठ कर लेते हैं,
और उसके अलावा भले इस धरती में हम भले कुछ भी कर रहे हैं उससे हमारा कुछ भी नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है। हर लाइफ की इंपॉर्टेंस है, हर लाइफ की वैल्यू है। तुम ऐसा समझो कि जो भगवान जिसने तुमको बनाया है या फिर जो एनर्जी जो तुम्हारे अंदर है वही सेम टू सेम एनर्जी वो उन जानवरों के लिए भी है, उन पेड़ पौधों के लिए भी है जिनके साथ तुम अपने हिसाब से सब कुछ कर रहे हो। वो तुमसे कुछ अलग नहीं है, गॉड मेरे अंदर ही है, गॉड मेरे आसपास ही है। बस मेरे को अपने सोचने का वे, मेरे को अपने देखने का वे, मेरे को अपने आइडियोलॉजीज बदलनी पड़ेगी जिसकी वजह से जो सत्य है वो मेरे सामने आना स्टार्ट हो जाए। और जिस दिन तुम्हारे सामने ये होना स्टार्ट हो गया उस दिन तुम कभी भी किसी भी चीज के ऊपर या किसी भी जानवर के ऊपर अपना अधिकार नहीं जमा पाओगे। तुम ये नहीं बोल पाओगे ये जानवर तो मेरे खाने के लिए, जानवर मेरे है, ये तो ये चीज मेरी है, वो मेरी है। क्यों? क्योंकि उस दिन तुम्हें एहसास हो जाएगा कि कुछ भी मेरा नहीं है। कि जिस तरह से मेरे अंदर वो सुप्रीम एनर्जी है उसी तरीके से सामने वाली जो चीज है इस जो नेचर के अंदर है वो भी एक सुप्रीम एनर्जी का ही पार्ट है। तो मैं और वो जब एक हो जाते हैं तो मेरा उस चीज के ऊपर अधिकार कैसे हो जाता है? अधिकार तब होता है जब तुम और वो अलग अलग हो, जब तुम हो ही सेम सेम, जब तुम हो ही एक चीज में, और जितना इंपॉर्टेंट तुम हो उतना इंपॉर्टेंट सामने वाली चीज है। तो तुम्हारा अधिकार कैसे होगा? फिर तो तुम्हारा मिलन होगा, दिल से करुणा जागेगी, दया जागेगी कि ये और मैं एक हैं, और इसके साथ अगर कुछ दुख होता है तो मेरे को भी उतनी पीड़ा होगी कि ये और मैं एक हैं। पर भाई आपने तो बोल दिया कि भाई हर कुछ गॉड है, एवरीथिंग इज गॉड है, ये बात हम मान ले कैसे? ऐसे थोड़ी मान ले, अनभक्ति में आपने वीडियो से है बनाए कि हर कोई अपनी लाइफ में है गलत है तो उनकी कोई भी बात ऐसी आंख पे पट्टी बांध के मानो मत। जब तक तुम्हें वो चीज समझ में ना आए तो हम तुम्हारी हर बात कैसे मान ले? मानो मत, जानो। मैं ये नहीं कह रहा जैसे मैं खुद कह रहा हूँ कि एवरीथिंग इज गॉड तो मान लो, मैं खुद एग्नोस्टिक हूँ फिर भी मैं ये बात कह रहा हूँ। मैं ऐसे कह रहा हूँ तुम अपने सोचने का वह चेंज करो। तुम्हें अगर हर चीज में गॉड देखना है, हर चीज में यूनिवर्स की वो सुप्रीम एनर्जी देखनी है जिसकी डेफिनेशन तुमने अपने हिसाब से अलग अलग तय कर रखी होगी, पर गॉड का बेसिक मीनिंग तो यही है ना कि वो एक सुप्रीम एनर्जी जिससे हर एक चीज चल रही है। जब तुम खुद को और हर एक चीज को सिर्फ शरीर, सिर्फ उसकी बनावट, सिर्फ उसका दिमाग ना देखते हुए उसको उसके रियल फॉर्म से देखोगे, उसको एक एग्जिस्टेंस देखोगे, उसको एक आत्मा चेतना कॉन्शियसनेस देखना स्टार्ट करोगे, वो सच में अंदर से क्या है, ये शरीर, ये चीजें जो हमें अलग अलग बांटती है, दिमाग जो हमें अलग अलग बांट रहे हैं, उसके पीछे जो एग्जिस्टेंस है, उसके पीछे वो जो एनर्जी है जिससे हम हैं, जिससे ये पूरा नेचर है, जिससे ये हर एक चीज है, वो जिस दिन हमने उसको देखना सच में स्टार्ट कर दिया ना, उसको महसूस करना स्टार्ट कर दिया ना, सच में मैं बता रहा हूँ तुम्हें हर चीज गॉड फील होनी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि गॉड कोई अलग चीज नहीं है हमसे, मैं बार बार कहता हूँ ये चीज, गॉड तुम ही हो और तुम्हारे अंदर ही है, तुम एक पार्ट हो उस चीज के जिस चीज की तुम तलाश में हो, सुप्रीम एनर्जी के तुम एक छोटे से अंश हो जो तुम्हारे अंदर ही बैठी है, तुम्हारे आसपास ही है। तो बस तुम्हें अपने सोचने का वे, तुम्हें अपनी आंखें बदलने की जरूरत है, तुम्हें देखने की जरूरत है। मैं ऐसे नहीं कह रहा मैंने पा लिया है, मैंने सब कुछ गॉड को नहीं, ऐसा नहीं है, बट एटलीस्ट मुझे पता है कि जो भी है उसकी चाबी मैं खुद हूँ, उसकी चाबी कुछ और चीज हो ही नहीं सकती है। मैं कुछ भी रीति रिवाज कर लूँ, कुछ भी मान लूँ, कुछ भी कर लूँ, मेरी जिंदगी निकल जाएगी, बट वो जो एग्जिस्टेंस है, वो जो सुप्रीम एनर्जी है, मैं ऐसे दिमाग में मान रहा हूँ कि मैं तो उसको खुश कर रहा हूँ, मैं तो उससे ये पाल लूंगा, मुझे उससे ये चाहिए, वो मेरे दुख दूर कर देता है। ठीक है, सबकी अपनी अपनी आस्था है, बट एट द एंड मुझे ये चीज मरते वक्त तक फील नहीं होगी क्या मैंने उसे पाया है बस, या फिर मेरे दिमाग की डेल्यूजनल स्टेट थी, क्या मैंने दिमाग में ऐसे ही मान लिया था। बट जिस दिन मैंने ये सोचना स्टार्ट कर दिया कि वो मेरे अंदर ही है, वो जिस एनर्जी से मैं जिंदा हूँ वही तो है गॉड, जो सामने जानवर चल रहा है वो क्यों चल पा रहा है, उसके अंदर जो चीज है वही तो है गॉड, जो आसपास यूनिवर्स है यही तो है गॉड। जब तुम हर एक डॉट्स को ऐसे कनेक्ट करना स्टार्ट कर देते हो, हर एक चीज की एग्जिस्टेंस को तुम गॉड मानना स्टार्ट कर देते हो कि ये चीज जो है वो जो है उस चीज को ही मैं मानता हूँ कि उस चीज की एनर्जी ही है सबसे इंपॉर्टेंट, उस दिन तुम धीरे धीरे जो गॉड का असली मतलब होना चाहिए था, जो होना चाहिए था कि हम खुद को जानते, हम खुद को पहचानते, हम क्या है क्या नहीं है, उस तक तुम पहुंचना स्टार्ट कर देते हो। जितने भी तुम्हारी इमेजिनेशन कल्पनाएं हैं, जो भी तुमने सोचा है, वो सब फिर धीरे धीरे फेड होना स्टार्ट हो जाते हैं, वो सब धीरे धीरे धुंधला होना स्टार्ट हो जाता है, और फिर तुम सिर्फ एक चीज देख पाते हो, वो है तुम्हारी असलियत, वो है तुम्हारी एनर्जी, जो
एनर्जी मैं खुद में महसूस करता हूँ, जो मैं खुद को जिंदा महसूस करता हूँ, उसी आंखों से मैं जब इस पूरी दुनिया को देखता हूँ तो मुझे हर जगह एनर्जी ही एनर्जी दिखती है। मुझे हर जगह एक जिंदापन का एहसास दिखता है, मुझे हर जगह एक ताजगी का एहसास दिखता है, और वो ताजगी का एहसास, वो जिंदा होने का एहसास ही मुझे ये बताता है कि हर कुछ गॉड है। तो एकदम सही कहा है श्री कृष्ण ने, मैं कण कण में हूँ। श्री कृष्ण को यहाँ तुम सुप्रीम एनर्जी मानो, और वो एनर्जी मानो कि तुम्हारी एनर्जी तुम्हें अंदर से कह रही है कि मैं कण कण में हूँ, मैं हर जगह हूँ। जिस दिन तुमने हर चीज में, हर एग्जिस्टेंस में वो एनर्जी फील करनी स्टार्ट कर दी, उसका मतलब धीरे धीरे तुम उस एनर्जी से जुड़ते जा रहे हो, और उस दिन धीरे धीरे तुम्हारी एक जर्नी स्टार्ट हो जाएगी कि अब तुम वो सुप्रीम एनर्जी जो है उससे जुड़ना स्टार्ट कर चुके हो, क्योंकि तुम हर जगह ये बाहर बाहर के जो बनावटें हैं, या बाहर बाहर की जो ऊपर ऊपर की जो मतलब तुम्हें दिख रहा है, उनकी जो चीज़ें हैं दिख रही, वो नहीं, तुम उसके अंदर वाली चीज है, जो एनर्जी है, जिस चीज से ये दुनिया चल रही है उससे तुम देख रहे हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले मस्त रहो, व्यस्त ऐसे देखते रहो, मजे में रहो, बाय।